दिल्ली में जो लोग शराब की प्राइवेट दुकानों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें कुछ और वक्त सब्र करना पड़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मौजूदा नीति को ही अगले 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली में केवल सरकारी दुकानों के जरिए ही शराब की बिक्री होगी। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा नीति को 30 सितंबर के बाद आगे बढ़ाने के लिए फाइल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। सूत्रों ने बताया है, फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद इसे एलजी वीके सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीएम और एलजी की मंजूरी के बाद 6 महीने के लिए लाइसेंस रेन्यू किए जाएंगे। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटालों के आरोप लगने के बाद केजरीवाल सरकार ने इसे खत्म कर दिया था और पुरानी नीति को ही लागू कर दिया था। नीति को पहले 6 महीने के लिए लागू किया गया था, जब तक विभाग 2023-24 के लिए नई नीति बनाए। 6 महीने की अवधि 30 सितंबर को ख़त्म होने जा रही है, लेकिन अभी तक नई नीति तैयार नहीं होने की वजह से पुराने नियमों को ही और 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। इस समय दिल्ली में शराब की 652 दुकानें हैं, जिन्हें 4 सरकारी निकायों के जरिए चलाया जा रहा है। शराब के शौकीनों को कुछ बेहतर अनुभव देने के लिए 48 प्रीमियम दुकानें भी खोली गई। इन्हें बड़े बाजारों में मॉल्स में खोला गया। इनमें से अधिकतर दुकानें मॉल और अहम बाजार जैसे सीपी, साकेत, वसंत कुंज, मयूर विहार, साउथ एक्सटेंशन, खान मार्केट, INA, लोधी कॉलोनी और ग्रेटर कैलाश में हैं। पिछले एक साल में आबकारी विभाग को दिल्ली में 7,285 करोड़ रुपए की आमदनी की, जिसमें 2013.44 करोड़ रुपए का वेट कलेक्शन शामिल है।